छत्तीसगढ़ में सीएम के युवा संवाद कार्यक्रम को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी लगातार इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर रही है और इस बीच बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम के युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम को पहले से सुनियोजित बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की युवाओं से भेंट मुलाकात पहले से सुनियोजित है, युवाओं को क्या बोलना क्या कहना है ये पहले से सेट है, युवाओं को बोलने से रोकने के लिए उनसे माइक छीना जा रहा। सांसद संतोष पांडे ने अपनी पीसी के दौरान सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ने सांसद के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने सांसद संतोष पांडे पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर वे सच में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करते हैं तो ईमानदार सांसद हैं तो उन्हें पीएम से सवाल करना चाहिए जिन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरी का वायदा किया लेकिन अब तक लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। 2500 रुपया प्रत्येक युवा को बेरोजगारी भत्ता देने की बात किए थे, 10 लाख युवाओं के लिए 15000 करोड़ होता है, कितना रखे बजट में प्रावधान, 250 करोड़। ऊंट के मुंह में जीरा, इस समय अब युवा इनके चक्कर में नहीं आने वाले हैं, वो जान चुके। अगर लगता है कि आप छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करना कर रहे हैं, आप अगर लगता है ईमानदार आप सांसद हैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाइए जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। हमने बेरोजगारी भत्ता भी शुरुआत किया है, हमने कम से कम 30 से 40 हजार लोगों को युवाओं को नौकरी दी है।